कहते ही वैबशाला। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पाठ 6 भिखारिन पढ़ेंगे। एक अंधी भिखारिन की ममता और त्याग के हृदय स्पर्शी मर्मिक यह कहानी है। आइए हम पढ़ते हैं। एक अंधी भिखारिन होती है जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती, जो आने जाने वाले दर्शन में जो रहते हैं लोग वहाँ उनसे भीख मांगती है और जो दान देते हैं वह उन्हें दुआएं देती है, फिर वह अपनी झोपड़ी की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचती है तो एक बच्चा उसके पास आकर चिपक जाता है। वह बच्चा कौन था, कहां से आया था, नहीं पता। वह कुछ साल पहले वह एक वृद्ध की गोद में रो रहा था, जिसे अंधी भिखारिन अपने प्यार करती है, दुलार करती है, जिसे वह बहुत उससे हिल मिल जाता है और उसका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती है। अंधी भिखारिन के झोपड़ी में एक उसके पास हांडी थी, जो बचा हुआ पैसा था वह उस हांडी में रखती थी। जब वह हांडी पूरी भर जाती है तो वह एक सेठ जी के पास जाती है उसे जमानत की और के लिए रखने के लिए। सेठ जी उसका नाम और नाम पता पूछकर उसे रख लेता है। 2 साल पूरे बीत जाते हैं। अचानक एक दिन बुढ़िया के बेटे को तेज बुखार आ जाता है। उसका बहुत इलाज करवाती है मगर वह ठीक नहीं होता। उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर वह सेठ जी के पास अपनी जमानत लेने के लिए जाते हैं तो सेठ जी जो रहते हैं वह बिल्कुल मुकर जाते हैं कि कैसी हांडी या कैसा पैसा। फिर वह रोते हुए अपनी झोपड़ी में आती है और अपने बेटे को जोर से तपा हुआ देखकर उसे गोद में उठाकर वह सेठ जी के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। नौकर भी उसे हटा नहीं पाते हैं। अंत में सेठ जी बाहर आते हैं और देखते हैं कि जो बच्चा था वह बिल्कुल उनके बेटे जैसा, जो कि 10 वर्ष से पहले वह खोक जाता है मेले में, वैसा ही दिखता था और उनके बेटे के पाँव में एक लाल निशान था। तो सेठ जी उस बच्चे के पास जाते हैं और उसका पाँव देखते हैं तो वह लाल निशान देखते हैं उस बेटे पे। फिर उन्हें दया आ जाती है और वह अंदर अपने घर ले जाकर डॉक्टर को बुलवाते हैं। अंधी भिखारिन आवाज़ देती है मगर सेठ जी बोलते हैं कि यह मेरा बेटा है, मैं इसे नहीं दूंगा। तो अंधी भिखारिन रोते हुए अपनी झोपड़ी में लौट जाती है। दूसरे दिन बच्चे का बुखार कम होता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है और उसे अपनी माँ सामने नहीं दिखती है तो वह खाने पीने से इंकार कर देता है। डॉक्टर ने सलाह दी कि उस अंधी बुढ़िया को बुला लें। फिर हार कर सेठ उस झोपड़ी की तरफ जाता है और बुढ़िया को बुलाता है और वह कहता है कि तुम जल्दी चलकर अपने बेटे को बचा लो। माँ की ममता रोती है और वह सेठ जी के साथ जाती है और अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है। 15 दिन के बाद वह बिल्कुल से ठीक हो जाता है। तब वह बुढ़िया सेठ जी से विदा लेती है तो सेठ जी उससे बोलते हैं कि तुम अपनी हांडी तो लेकर जाओ। तो वह बुढ़िया धीरे से हंसकर बोलती है कि मैंने अपना असली धन जो भी मेरा था, वह बच्चा था, और वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब इस धन का कोई मूल्य नहीं है उसके सामने। तो सेठ जी उस अंधी भिखारिन के त्याग पर अपने घुटने टेक देते हैं और इस में सेठ जी याचक होते हैं और वरदाता होते हैं। थैंक यू।